वेलकम स्टूडेंट्स टू क्लास 8th इंग्लिश। आज का हमारा टॉपिक है द सेंटेंस। इसमें हमने करना है चेंज द सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। आज हम प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस और पास्ट इनडेफिनेट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में कौन से रूल्स, किस तरह के रूल्स को हम फॉलो करते हैं, क्या रूल्स को फॉलो किया जाता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ताकि हमें ये पता लगे कि द सेंटेंस गिवन इज़ प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस और पास्ट इनडेफिनेट टेंस। ओनली देन वी विल एबल टू कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। सो इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द सब्जेक्ट। देन इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट और द नेम ऑफ अ पर्सन, दीज आर इंक्लूडेड इन सिंगुलर सब्जेक्ट्स। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस, बट विद द सिंगुलर सब्जेक्ट वी एड एस और ई एस टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस को ऐड कर देते हैं। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, प्लूरल मीन्स यू, वी, दे, देन वी सिंपली राइट द, वी सिंपली यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नाउ what is the rule of converting affirmative sentences of present indefinite tense into negative sentences? What we do, we follow the same method, singular plural. If the subject is singular, then we use does not, we use does not plus first form of verb. Now the first form of verb in the affirmative sentence, we add s or es. Okay, this s or es which is added to the first form of verb is separated in negative sentences, and we add this s or es to the do not. Do ke saath mein hum s ya es ko add kar dete hain, jisko humne affirmative sentences mein verb ke saath rakha tha. Okay, if the subject is singular, we write does not and first form of verb. If the subject is plural, we write subject, then do not, then we write first form of verb. Now let us see some example. We play football. Here you see the subject is plural, the subject is plural, so we simply write the first form of verb, that is play. हमने यहाँ पर play के साथ में s नहीं लगाया है, plays नहीं लिखा यहाँ पर, हमने क्या use किया है, play, because the subject is plural. तो जब हम इसको negative sentence में change करेंगे तो हमने क्या करना है, we do not play फुटबॉल। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी स्पीक्स द ट्रूथ, हेयर द सब्जेक्ट इज शी विच इज सिंगुलर, सो वेन वी चेंज दिस सेंटेंस इन टू नेगेटिव सेंटेंस वी राइट द सब्जेक्ट शी, देन डज नॉट, शी डज नॉट स्पीक द truth, full stop. This is how we change the affirmative sentences into negative sentences in present indefinite tense.
इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर द पास्ट इंडेफिनेट टेंस. आज मैं आपको एक वर्कशीट भी सेंड कर दूंगी रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, हाउ टू चेंज. यू हैव टू प्रैक्टिस दैट वर्कशीट टू चेंज अफर्मेटिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय.